हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन। आपका स्वागत है वीकली किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं हिमांशु के बारे में। एक सत्य करोड़ों सूर्यों की रोशनी से अधिक चमकीला होता है। ईमानदार व्यक्ति ही इस रोशनी को देख सकता है। हिमांशु कहते हैं, 14 जुलाई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि सुल्ला आदिवासियों की हत्या बाबत दायर किया गया मुकदमा झूठा है और इसके लिए हिमांशु कुमार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाए और मुझ पर धारा 211 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए तथा सीबीआई मेरा संबंध माओवादियों से होने की जांच भी कर सकती है। इस बारे में मेरा कहना यह है कि मामला झूठा होने का फैसला गलत है, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई जांच ही नहीं कराई है। 2009 में छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले की गोमपाड़ गाँव में 16 आदिवासियों की पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा हत्या की गई थी। मारे गए लोगों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग थे। 1.5 साल के बच्चे की उंगलियां काट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैंने यह मुकदमा माओवादियों की मदद करने के लिए किया है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पीड़ित लोगों को न्याय देगा तो उससे माओवादियों को क्या फ़ायदा हो जाएगा, और अगर न्याय ना दिया जाए तथा मुझ जैसे न्याय मांगने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगा दिया जाए तो उससे देश का क्या फ़ायदा हो जाएगा। मेरे द्वारा यह कोई अकेला मामला कोर्ट में नहीं है या नहीं ले जाया गया है। मैंने ऐसे केस 519 मामले कोर्ट की सौंपे हैं, जिनमें पुलिस द्वारा की गई हत्याएं, बलात्कार, अपहरण और लूट के मामले शामिल हैं। मेरे द्वारा उठाए गए मामले सही साबित हुए हैं। हर एक मामला झूठा नहीं पाया गया है, चाहे वो 2009 में सिंगारम गांव में 19 आदिवासियों को लाइन में खड़ा करके पुलिस ने गोली से उड़ा दिया वाला केस हो, या 2008 में मटवाड़ा में सलवा जुड़ुम कैंप में रहने वाले 3 आदिवासियों के पुलिस ने चाकू से आंखें निकाल ली थी, या फिर 2012 में सरकेगुड़ा गाँव में 17 आदिवासियों की हत्या CRPF ने की। इस तरह की कई केस में मैंने निर्दोष आदिवासियों को बचाया है। जब आज तक मेरे द्वारा उठाया गया एक भी मामला झूठा नहीं पाया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय गोमपाड़ गांव में मारे गए 16 आदिवासियों के इस मामले में बिना जांच कराए मुझे झूठा कैसे कह रहा है। न्यायालय ने कहा है कि इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी और चार्जशीट भी फाइल कर दी थी, इसलिए मैंने पुलिस की कार्यवाही पर भरोसा करना चाहिए था और सर्वोच्च न्यायालय नहीं आना चाहिए था। लेकिन जो पुलिस हत्या करने वाली गिरोह में शामिल थी, उसकी जांच पर पीड़ित कैसे भरोसा कर सकते थे। पीड़ित आदिवासी इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए थे क्योंकि उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही न्याय चाहिए था, इसलिए उन्होंने मांग करी कि CBI या SIT की जाँच कराई जाए, क्योंकि पुलिस ही हत्याकांड में शामिल थी। इसके अलावा पीड़ित ग्रामीण ने पहले दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक को पूरी घटना की शिकायत लिखकर भेजी थी, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं करी। SP को भेजे गए इन शिकायत पत्रों की प्रतिलिपि सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट जानता था कि लोकल पुलिस ने कोई मदद नहीं की थी। कहा गया कि 12 में से 6 आवेदकों ने दिल्ली की 30,000 कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में हमलावरों को ना पहचानने का बयान दिया है, जबकि पेटिशन में उन्होंने हमलावरों को पुलिस के रूप में बताया था। इस बाबत तथ्य यह है कि इन 6 लोगों का पुलिस ने अपहरण किया था ताकि खुद को बचने के लिए फर्जी सबूत गढ़े जा सके। इस अपहरण का वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, जिसे वहां मौजूद पत्रकारों ने बनाया था। अपहरण के बाद अवैध हिरासत में रखकर पुलिस ने इन पीड़ित आदिवासियों को जान से मारने की धमकी देकर बयान दिलवाया, जिसमें आदिवासियों ने कहा कि जंगल से वर्दीधारी लोग आए और उन्होंने हमारे परिवार के सदस्यों को हत्या की। इन लोगों ने यह नहीं कहा कि हिमांशु झूठ बोल रहा है या मुकदमा उन्होंने किसी दबाव में डाला है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वह जाँच करवाता कि हत्यारे कौन थे। आखिर सुप्रीम कोर्ट हत्या में आरोपी पुलिस को बिना जांच के कैसे क्लीन चिट दे सकता है और बिना जांच के हमें कैसे दोषी कह सकता है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद हिमांशु ने अपना बयान जारी किया कि
चंपारण में गांधी जी से जज ने कहा, तुम्हें 100 रुपये के जुर्माने पर छोड़ा जाता है। गांधी जी ने कहा था, मैं जुर्माना नहीं दूंगा। कोर्ट ने मुझसे कहा, 5 लाख जुर्माना दो तो तुम्हारा जुर्म यह है, तुमने आदिवासियों के लिए इंसाफ मांगा। मेरा जवाब है, मैं जुर्माना नहीं दूंगा। जुर्माना देने का अर्थ होगा, मैं अपनी गलती कबूल कर रहा हूँ। मैं दिल की गहराइयों से मानता हूँ कि इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है। अगर यह जुर्म है तो हम बार बार करेंगे। इतने में ही आज की वीकली घटनाओं की बातों को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नई वीकली घटनाओं की बातों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।